Hi friends, केम छो नुंगारी ब्रह्मयाम लाइफ गांधीनगर में आप सबका स्वागत है। मैं बबीता योर ब्यूटिशियन। गर्मियों के आने से हम अंदर से कितने खुश हो जाते हैं। वेकेशन में जाना, होलीडे मनाना, फलों का राजा आम, तरबूजा, खरबूजा, उनके साथ आते हैं कड़क धूप जो अपने स्किन और हेयर की बुरा हाल कर देते हैं। फ्रेंड्स, In my last video, I have already mentioned about how to care our skin. इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ ड्राई एंड डैमेज हेयर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और फ्रेंड्स, ट्रीट करने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, हनी और ऑलिव ऑयल। एलोवेरा जेल इज़ अ वेरी गुड वे टू ट्रीट ड्राई एंड डैमेज हेयर। इट कैन रेस्टोर शाइन एंड एड वॉल्यूम टू द हेयर। एलोवेरा में अमीनो एसिड्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स भी होते हैं। कोकोनट ऑयल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ लॉरिक एसिड्स एंड वाइटामिन्स ई। इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स। कोकोनट ऑयल में एंटी फंगल, एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल्स भी होते हैं। हनी इज़ अ नेचुरल सॉफ्टनर। हनी मेक्स इट अ ग्रेट कंडीशनर दैट स्मूदन योर हेयर। जैसे कि दोस्तों, ऑलिव ऑयल लिक्विड गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस नो दैट ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेल्थ। इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द हेयर टू। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बाउल में 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लीजिए, 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, 1 टेबलस्पून हनी और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। चारों के मिश्रण को आप अच्छी तरीके से बीट करते हुए, आप अच्छी तरीके से टिल द टाइम उसकी कंसिस्टेंसी एकदम क्रीमी आ जाए तब तक आप उसको अच्छी तरीके से फेंटिए। जब आपकी मिश्रण तैयार हो जाती है तो आप बालों का सेक्शन बाय सेक्शन, स्कैल्प से लेके आप बालों के एंड तक इस इमल्सिफाइड करते हुए आप अच्छी तरीके से इस मिश्रण को लगा लीजिए। जब आपने पूरी मिश्रण को पूरे बालों में लगाने के बाद आप 20 से 25 मिनट आप एक शॉर्ट केप के मदद से अपने बालों को कवर कीजिए। 25 मिनट आप शॉर्ट केप के अंदर आप अपने बालों को रखिए। फिर उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू से धो सकते हैं। अगर आपके केमिकली ट्रीटमेंट और ड्राई एंड डैमेज हेयर है तो ये मिश्रण आप 2 से 3 हफ्ते में यूज़ कीजिए। पहले ही यूज़ करने से आपको आपके हेयर की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का पता चल जाएगा। जैसे आपने ये मिश्रण पूरे बालों में अच्छी तरीके से इमल्सिफाइड करते हुए लगा दिया, फिर उसके बाद आप उसको 25 मिनट शॉवर केप लगा के आपको रखना है। फिर उसके बाद आप शैम्पू से अपने बालों को अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं। अगर आपका केमिकल ट्रीटेड हेयर है, ड्राइड हेयर है, डैमेज हेयर है, तो आप इस मिश्रण को 2 या 3 वीक में लगा लीजिए। और फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट से ही आपके बालों की क्वालिटी बदल जाएगी। सो फ्रेंड्स, I would like to thank all of my viewer for giving lots of like and lots of comment. आगे भी आप मुझे बहुत सारे प्यार और बहुत सारे कमेंट देते रहिए। मैं आप लोगों के साथ इसी तरह कुछ नया टिप के साथ जुड़ती रहूँगी। धन्यवाद।